लेकिन स्टूडेंट्स आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस बुशरा। आज हम मैथ्स रिटर्न का पेज नंबर 22 और 23 राइट करेंगे। 18 और 19, 1 से लेकर 19 तक काउंटिंग राइट करेंगे, नंबर्स रिकग्निशन करेंगे। बुक में आज हम 8 लर्न करेंगे, नंबर 8 लर्न करेंगे, और जनरल नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 लर्न करेंगे सिलेबस का। जनरल नॉलेज बुक में आज हम पेज नंबर 7 लर्न करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 राइट करना है। 1 के लिए आपने स्ट्रेट लाइन, स्लांट लाइन, 1, 2 यहाँ से स्टार्ट करके स्लांट, देन स्लीपिंग लाइन। 3 आपने स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन, देन 3 की बैली आपने इस तरह बना देनी है। 3 के बाद 4 स्लांट लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्ट्रेट लाइन। 4 के बाद 5 स्लीपिंग लाइन, स्लांट, देन 5 की इस तरह से बैली, जिस तरह मैंने आपको पहले भी राइट करना सिखाई हुई है। आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको अच्छे से बनाना आ जाएगा। 6 स्लांट, देन राउंड, स्लांट लाइन लेकर नीचे से राउंड कर देंगे इस तरह से। 6 के बाद 7 स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन, 8 फर्स्ट सर्कल, देन सेकंड सर्कल, 8 के बाद 9 स्ट्रेट लाइन, और ऊपर से इस तरह से आपने काउंट कर देना है तो आपका 9 राइट हो जाएगा। 9 के बाद 10 1 स्ट्रेट लाइन, स्लांट, देन 0। 10 1 स्ट्रेट लाइन, स्लांट, अगेन स्ट्रेट लाइन, फिर स्लांट लाइन लेंगे। 11 के बाद 12, 11 के बाद 12, 1 2 12 1 2 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 1 2 12, 12 के बाद 13 1 स्ट्रेट लाइन लेंगे, 1 के लिए स्लांट लाइन, 1 3 स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन, देन डाउन। 3 स्ट्रेट लाइन लेना 14 को राइट करने के लिए, 1 4 14, 1 स्ट्रेट स्लांट, 4 इसके बाद राइट करेंगे हम, 1 लाइन स्लीपिंग लाइन, देन स्ट्रेट स्लांट लाइन स्लीपिंग लाइन, देन स्ट्रेट। 1 3 13, 1 4 14, 14 के बाद 15 राइट करना है, 14 के बाद 15 स्ट्रेट लाइन, स्लांट लाइन, उसके बाद 5 स्लीपिंग लाइन, स्लांट, देन 5 की इस तरह से वैली बना देंगे तो 1 5 15 राइट हो जाएगा। 15 के बाद 16, 1 6 16 स्लांट, देन राउंड, 1 6 16, 16 के बाद 17 स्ट्रेट लाइन, स्लांट, स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन, 1 7 17, 1 7 17, 18 1 1 8 18,
18, 18 के बाद 19, 19, 19, देन राउंड। इस तरह से आपने 1 से लेकर 90 तक काउंटिंग राइट कर लेनी है और साथ साथ लर्न भी कर लेना है। नेक्स्ट है बुक। बुक में आज हम 8 लर्न करेंगे। 8 EIGHT 8 EIGHT 8 8 शिप्स। 8 शिप्स। शिप्स कहते हैं, शिप कहते हैं भेड़ को, शिप कहते हैं भेड़ को। 8 शिप्स। 8 शिप्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शिप्स। 8 शिप्स। 8 के बाद लाइन लर्न करेंगे नंबर रिकग्निशन की। 1 9 1 0 10 1 7 17 1 9 19 1 8 18 1 6 16 2 0 20 1 0 10 1 7 17 1 9 19 1 8 18 1 6 16 2 0 20 1 1 0 10 1 7 17 1 9 19 1 8 18 1 6 16 2 0 20 क्वेश्चन नंबर जीके का 11, 12 और 13 इन विच प्रोविंस डू यू लिव। इन विच प्रोविंस डू यू लिव इन पंजाब। इन विच प्रोविंस डू यू लिव इन पंजाब। इन विच प्रोविंस डू यू लिव इन पंजाब। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज योर कंट्री नेम। आपके मुल्क का क्या नाम है। पाकिस्तान। व्हाट इज योर कंट्री नेम पाकिस्तान। व्हाट इज योर कंट्री नेम पाकिस्तान। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो अहम फसल है वो कौन सी है। वीट गंदुम राइस चावल कॉटन रुई। वीट गंदुम राइस चावल एंड कॉटन और रुई। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। वीट राइस एंड कॉटन। वीट राइस एंड कॉटन। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। वीट राइस एंड कॉटन। वीट राइस एंड कॉटन। इन विच प्रोविंस डू यू लिव इन पंजाब। व्हाट इज योर कंट्री नेम पाकिस्तान। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। वीट राइस एंड कॉटन। आपने तीनों क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लेना है। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 जीके बुक का पेज नंबर 7 फाइव सेंसेस। हमारे कितने सेंसेस हैं। फाइव सेंसेस हैं। फर्स्ट है सेंस ऑफ साइट, मतलब कि हमारी देखने की सेंस। हम देखते किससे हैं, आंखों से देखते हैं। देखते किससे हैं, हम आंखों से देखते हैं। आंखों से देखते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट किससे करते हैं, हम जुबान से। जुबान से हम कुछ भी टेस्ट करके उसकी टेस्ट का पता कर सकते हैं। वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, जिस जैसा भी उसका टेस्ट है हमें पता चल जाता है टेस्ट करके। और सेंस ऑफ हेयरिंग, हेयरिंग मतलब सेंस ऑफ हेयरिंग हम सुनते किससे हैं, कान से। सेंस ऑफ हेयरिंग कान से सुनते हैं। थर्ड सेंस है हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग। फोर्थ सेंस है सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल नोज। सेंस ऑफ स्मेल हमारी है नोज। नोज से हम किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हैं। अच्छी स्मेल हो या बुरी स्मेल हो हम उसको अच्छे से स्मेल कर सकते हैं कि वो किस तरह की है। सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ टच। टच, टच किससे करते हैं, हम अपने हैंड से। किसी भी चीज़ को टच करना तो अपने हैंड से टच करेंगे, लग से थोड़ी टच करेंगे। सेंस ऑफ टच हम किसी भी चीज़ को किससे टच करते हैं, हैंड से। अगेन देख लेते हैं सेंस ऑफ साइट, आंखों से देखते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं टंग से। सेंस ऑफ हेयरिंग,
कान से सुनते हैं, सेंस ऑफ स्मेल नोज से स्मेल करते हैं, सेंस ऑफ टच हाथ से टच करते हैं। हाउ मेनी सेंसेस डू यू हैव? फाइव सेंसेस। हाउ मेनी सेंसेस डू यू हैव? फाइव सेंसेस। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच। साइट, टेस्ट, हियरिंग, स्मेल, टच। हाउ मेनी सेंसेस डू यू हैव? फाइव सेंसेस। हाउ मेनी सेंसेस डू यू हैव? फाइव सेंसेस। साइट, टेस्ट, हेयरिंग, स्मेल, टच। स्टूडेंट्स, आपने आज के हमारे स्ट्रक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और वीडियो को व्यू करके 3 डेज तक वर्क कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इंशाल्लाह हम इसी पेज को रिवाइज करेंगे, जीके सिलेबस का नहीं क्वेश्चन लर्न करेंगे और मैथ्स रिटर्न में हम नेक्स्ट नंबर ऐड करना सीखेंगे, उसके साथ मैथ्स बुक की रिवीजन कर लेंगे प्रीवियस ही और नंबर्स रिकग्निशन कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।